में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा दो विषय हिंदी उसमें अम की मात्रा सीखेंगे। अम से अंगूर, अम से अंडा, यहाँ पर बिंदुओं को जोड़कर अम लिखेंगे। यहाँ पर बिंदुओं को जोड़कर और यहाँ पर बिना बिंदुओं को जोड़े इसी प्रकार अम लिखेंगे। उसके बाद अक्षर पढ़ो और लिखो, जैसे कि जैसे क के साथ अम की मात्रा यानी कि कम। पहले तो कम से लेकर हम श्रम तक उच्चार करेंगे। कम, खम, गम, गम, चम, छम, चम, जम, टम, ठम, डम, 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 तम, थम, दम, दम, नम, पम, फम, बम, बम, मम, यम, रम, लम, वम, शम, 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 हम, शम, यम, त्रम और श्रम। यहाँ पर बिंदुओं को जोड़े इसी प्रकार कम, 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 इसी तरह कम से लेकर श्रम तक पूरी दो लाइन में लिखना है। पढ़ो, सीखो और लिखो। पहले तो शब्द पढ़ेंगे। अ के ऊपर उनकी मात्रा अंबा, यहाँ पर म के ऊपर मंदिर, हंस, गंगा, बंदर, पतंग, तिरंगा, नारंगी। यहाँ पर बिंदुओं को जोड़कर इसी प्रकार शब्द लिखेंगे और यहाँ पर दो लाइन में इसी प्रकार शब्द लिखने हैं। इसी प्रकार सारे शब्द लिखने हैं। अम से शुरू होने वाले शब्द को राइट की निशानी करनी है। अम से जो शब्द शुरू होते हैं जैसे कि अंगूर, अंश, अंगार, अम को तीर की दिशा में पढ़कर शब्द बनाओ, जैसे कि अम को जोड़कर अंडा, अंगूर, अंबर, अंश, अंध, अंदाज। चित्र पहचान कर नीचे उसका नाम लिखो। चित्र को पहचानना है और उसके नीचे उसका नाम लिखना है, जैसे कि ये चित्र है चंडा, पतंग, नारंगी और यह है बंदर। चित्र पहचान कर कोष्टक भरो। मंदिर, बंदर, पतंग, उछंग, अंडा, अंगूर। बाकी अक्षर लिखो, जैसे कि यहाँ पर का है गंगा, यहाँ पर पतंग, चंदा। बाकी के अक्षर जो नहीं है वो लिखने हैं। इसी प्रकार सारे बाकी के अक्षर लिखने हैं। कोष्टक से शब्द चुनकर खाली जगह भरो। जैसे कि कोष्टक से यह चित्र है मंदिर, तो यहाँ पर मंदिर, रंभा मंदिर जा। तालाब में यह चित्र है हंस, तालाब में हंस तैरता है। यह है अंडा, मुर्गी, अंडा,
देती है। उसके बाद वाक्य पढ़ो और लिखो। पहले तो वाक्य पढ़ेंगे। कीर्तन पतंग लाता है, यह तिरंगा झंडा है, अभिषेक अंगूर खाता है, चंदा आकाश में है। यहाँ पर बिंदुओं को जोड़कर वाक्य लिखना है और यहाँ पर बिना बिंदुओं को जोड़े वाक्य लिखने हैं।